आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, उससे मेरी वीडियो की सारी अपडेट की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले। फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीति सहदेव, आपका स्वागत है ट्विंस फूडीज में। नवरात्रों की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको बताएंगे नवरात्रों के व्रत में पम्पकिन के पकोड़े कैसे बना सकते हैं। ये कुट्टू के आटे के पकोड़े बनते हैं, आप इसको जरूर ट्राई करें। अगर ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं ये रेसिपी। बता दें, ये हमने सीताफल लिया है आधा किलो, जिसके हमने ब्रेक ब्रेक पीस काट लिए हैं। कुट्टू का आटा लिया है, सिंगाड़े का आटा लिया है, ऑयल लिया है, नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च और दो हरी मिर्ची हमने चॉप की। सबसे पहले हमने बाउल लिया है, उसके अंदर हम सीताफल डाल देंगे। साथ में हम ये कुट्टू का आटा, सिंगाड़े का आटा डाल देंगे। नमक अपना टेस्ट अनुसार डाल दें, काली मिर्ची, थोड़ी सी लाल मिर्च, जितनी आपकी टेस्ट है उतनी डालिए। थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, जो मसाले मिक्स हो जाएं। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा हमने आटा नहीं डालना, मीडियम डालना है, बराबर बराबर डालना है। ये हमारा मिक्स हो गया, ये मिक्स हो गया, अब हम इसके पकोड़े बनाएंगे। ये हमारा फ्राई पैन में ऑयल गरम हो गया है, अब हम इस पर पकौड़े बनाएंगे। आराम से डालेंगे घी के अंदर, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और हम सिम आंच पे बनाएंगे इसको, थोड़ा सा सिम कर देंगे, इसको पलटा देंगे। मीडियम कर देंगे गैस को। इसको साथ के साथ हिलाते जाएंगे। इसको हम सिम पे बनाएंगे, बहुत टेस्टी लगते हैं, आप इसको जरूर ट्राई करें, आप इसको जरूर ट्राई करें, बहुत टेस्टी लगते हैं। इसको हम सर्व कर सकते हैं।